स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो सर, कैनाबिस मरिजुआना या जिसे गांजे के नाम से जाना जाता है, भारत में यूज किए जाने वाला मोस्ट पॉपुलर इलीगल ड्रग है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत की 2.83% पॉपुलेशन यानी कि अराउंड 31 मिलियन इंडियंस जिनकी उम्र 10 से 75 साल के बीच है, कैनाबिस प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। वहीं एक जर्मनी स्टडी बताती है कि आज दिल्ली और मुंबई वर्ल्ड की थर्ड और सिक्स्थ लार्जेस्ट कैनाबिस कंज्यूम करने वाली सिटीज हैं। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि ये डेटा आउटडेटेड है और रियलिटी में आज इंडिया में इससे कई गुना ज्यादा कैनाबिस का कंजम्पशन कर रहे हैं। खासकर पिछले कुछ वर्षों में इंडियन यूथ में इस इलीगल ड्रग का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कैनाबिस कंजम्पशन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। असल में इंडियंस कैनाबिस प्रोडक्ट्स को 4000 वर्ष से भी पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 3000 साल पुराने कई संस्कृत टेक्स्ट में भांग का, जिसे कैनाबिस कहा जाता है, उसका उल्लेख किया गया है। वहीं कुछ टेक्स्ट के अनुसार कैनाबिस वैदिक पीरियड के सोमा रस को तैयार करने के लिए भी उपयोग किया जाता था। वही सोमरस जिसे ऋग्वेद के 9th मंडला में मेंशन किया गया है और जो आज कंज्यूम की जाने वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह एक एंशियंट ड्रिंक मानी जाती है। अथर्ववेद में कैनाबिस को धरती पर 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक बताया गया है और इसे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और लिबरेटर कहकर रेफर किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव को भी लोग भांग प्रसाद के रूप में ऑफर करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान शिव ने हलाहल नामक सारा विष पी लिया था, तब उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने विजया, बेलपत्र और धतूरे को दूध में मिलाकर भगवान शिव के शरीर पर लेप लगाया था। कुछ विद्वान विजया को भांग का पौधा बताते हैं, हालांकि कुछ दूसरे विद्वान इस मत का समर्थन नहीं करते। आज भी यदि आप वाराणसी और ऋषिकेश जैसे जगह पर जाएंगे तो वहां आपको अनेक साधु संत कैनाबिस कंज्यूम करते नजर आएंगे, जो मेडिटेशन स्टेट में रहने के लिए कैनाबिस का कंजम्पशन करते हैं। वहीं महाशिवरात्रि और होली जैसे फेस्टिवल्स में भी भांग वाइडली कंज्यूम की जाती है। दरअसल 1958 से इंडिया में कैनाबिस प्लांट के फ्रूट और फ्लावर के यूज को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। वहीं इसकी लीव्स, स्टेम और सीड्स इस ज्यूरिसडिक्शन कैटेगरी से बाहर हैं। कैनाबिस को लीगलाइज करने का मत रखने वाले लोगों का तर्क है कि एक सेम प्लांट से मिलने वाले इन तीन अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स के बीच ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक वैलिड है। यदि मोस्ट यूरोपिक हाई देने वाला कैनाबिस के फ्रूट और फ्लावर इलीगल है तो भांग क्यों लीगल है? ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार को कैनाबिस के फ्रूट और फ्लावर को भी लीगल कर देना चाहिए? यदि सरकार ऐसा करती है तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैनाबिस बेसिकली एक प्लांट होता है जो कि कैनाबिनॉइड्स डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल THC और कैनाबिडियोल नाम के इंटॉक्सिकेटिंग केमिकल्स कंटेन करता है। इंडिया में लोकली कैनाबिस को गांजा, चरस और भांग के नाम से जानते हैं। गांजा, जिसे वीड भी कहते हैं, वो कैनाबिस सेटिवा प्लांट के फ्लावर से बनता है। वहीं चरस या हैश, जो कि सबसे नशीला होता है, वो कैनाबिस प्लांट के ड्राइड फ्लावर्स को घिसकर उससे जो रेजिन बनता है उससे तैयार किया जाता है। वही भांग इस प्लांट के लीव्स और स्टेम से बनाई जाती है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि भांग, चरस और गांजा इंडिया में वैदिक टाइम से ही यहाँ के पॉपुलर कल्चर का इंटेग्रल पार्ट रहा है। हालांकि इन इंटॉक्सिकेंट्स का यूज उस वक्त इतना ज्यादा रैम्पेंट नहीं था जितना कि अभी है, और ऋग्वेद क्लियरली लोगों को इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम करने से डिस्करेज करता है। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जो लोग नशा करते हैं वो अपने इंटेलेक्ट और खुद पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए हमारे एंशियंट टेक्स्ट में सोमा रस से लेकर भांग के कंजम्पशन को लेकर सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं। जैसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को कंज्यूम करने के बाद एक व्यक्ति को सर्टेन डेज के लिए गांव या कस्बे में आने की परमिशन नहीं होती है। अर्ली 1890s के दौरान ब्रिटिशर्स ने ऑब्जर्व किया कि इंडियंस एक्सटेंसिव लेवल पर कैनाबिस कंज्यूम कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने हेम्प कमीशन सेटअप किया। इसका उद्देश्य हेम्प प्लांट की कल्टीवेशन, ड्रग प्रिपरेशन, इन ड्रग्स की ट्रेड और उसके कंजम्पशन का सोशल और मोरल इम्पैक्ट को एग्जामिन करना था। हेम्प कमीशन ने एक्सटेंसिवली स्टडी करने के बाद ये कंक्लूड किया था कि इंडियंस में कैनाबिस का यूज एंशियंट टाइम से हो रहा है और हिंदूज के बीच इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, इसीलिए इसे आउटराइटली बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके टैक्सेशन रेट को इंक्रीज करके इसके यूज को कम किया जा सकता है। कमीशन ने यह भी रिपोर्ट किया कि कैनाबिस का मॉडरेट यूज हार्मलेस है और इनफैक्ट अल्कोहल इससे ज्यादा हार्मफुल है। हैरानी वाली बात यह है कि इस कमीशन के 2 इंडियन मेंबर्स इसकी रिपोर्ट को अपोज कर रहे थे और टैक्स के बजाय इसे कम्प्लीटली बैन करने को कह रहे थे। बहरहाल 1970s तक इंडिया में कैनाबिस लीगल रहा। 1961 में साइन की गई यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन
ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसने कैनबिस को हार्ड ड्रग डिक्लेयर किया था और मेडिसिनल और रिसर्च पर्पजेस के अलावा इसके प्रोडक्शन और सप्लाई पर बैन इम्पोज कर दिया था। नेगोशिएशंस के दौरान इंडिया इस कन्वेंशन में कैनबिस को हार्ड ड्रग्स में काउंट करने का अपोज कर रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर एरा के दौरान सपोर्ट को तलाश रहे इंडिया ने अल्टीमेटली यूएस प्रेशर के कारण ईयर 1985 में नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS एक्ट पास कर दिया, जिसके तहत कोई भी पर्सन किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस, पजेस, ट्रांसपोर्ट या कंज्यूम नहीं कर सकता है। इस एक्ट में गांजा और चरस के साथ कई हार्डलाइन ड्रग्स जैसे कोकेन, LSD, MDMA को क्वांटिटी के बेसिस पर स्मॉल और कमर्शियल कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्मॉल कैटेगरी के तहत यदि कोई व्यक्ति 100 ग्राम या उससे कम चरस और 1 किलोग्राम या उससे कम गांजा स्टोर किए पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल और 10,000 तक का फाइन हो सकता है। वहीं कमर्शियल कैटेगरी के अंदर अगर कोई पर्सन 100 ग्राम से ज्यादा चरस और 1 किलो से ज्यादा गांजा स्टोर किए पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। हालांकि NDPS एक्ट के तहत कैनबिस को कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया और इसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से मेडिकल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल या हॉर्टिकल्चरल पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कैनबिस के यूज और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के अपने लॉज भी हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड भारत में कमर्शियल हेम्प फार्मिंग को लीगलाइज करने वाला पहला स्टेट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुखू ने भी कहा कि वो स्टेट के विदिन मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज के कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं असम ऐसा स्टेट है जहां भांग और गांजा का कल्टीवेशन, कलेक्शन, कंजम्पशन और सेल कम्प्लीटली बैंड है। तो NDPS एक्ट कैनबिस प्लांट के फ्लावर और उसके रेजिन को इलीगल डिक्लेयर करता है, जबकि इसकी लीव्स, स्टेम और सीड्स के यूज को अलाउ करता है। इसी वजह से गांजा और चरस जो इसके फ्लावर्स और रिजन से बनते हैं वो तो इलीगल है, लेकिन वहीं भांग जो कि इसके लीव्स से बनता है वो लीगल है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने 1985 में जानबूझकर ही लूपहोल छोड़ा था जिससे कि भांग का रिलीजियस पर्पजेस के लिए यूज हो सके और उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। वाराणसी, मथुरा और जैसलमेर की गलियों में आपको कई भांग शॉप्स दिख जाएंगी जहां वो भांग के अलग अलग डिशेस सर्व करते हैं, जैसे कि ठंडाई, भांग लस्सी इत्यादि। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत स्मोकिंग एक्सेसरीज जैसे कि चिलम, रोलिंग पेपर, बॉक्स इत्यादि को सेल और परचेज करना भी अलाउड है। बैन के बावजूद इंडिया में कैनबिस प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं और यहाँ वीड कंजम्पशन बहुत कॉमन है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के स्टडी के 2019 में कंडक्ट की गई स्टडी के अनुसार साल 2018 में 31 मिलियन इंडियंस ने कैनबिस प्रोडक्ट कंज्यूम किया था। इसमें 13 मिलियन ऐसे लोग थे जो गांजा और चरस कंज्यूम करते थे। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पंजाब और दिल्ली सबसे ज्यादा कैनबिस प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले स्टेट थे, लेकिन क्योंकि कैनबिस कंजम्पशन इंडिया में इलीगल है और लोग चोरी छिपे वीड स्मोक करते हैं, इसीलिए असल में इंडिया में कैनबिस कंज्यूम करने वालों की संख्या का पता लगाना काफी मुश्किल है। पिछले दशक में इंडिया में यंगस्टर्स के बीच वीड कंजम्पशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ है और ये ट्रेंड ज्यादातर अर्बन ड्वेलिंग यूथ्स में ऑब्जर्व किया गया है। वैसे तो इस बात को लेकर कोई कॉन्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े शहरों के टॉप साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 11 से 15 साल के यंग किड्स भी इन दिनों वीड स्मोक करते पाए जा रहे हैं और इसका सबसे मेन रीजन है कि वीड इजिली अवेलेबल है। आलम यह है कि इलीगल होने के बावजूद लोग लोकल पेडलर की मदद से बड़ी आसानी से वीड खरीद लेते हैं। वहीं अल्कोहल के कंजम्पशन में वीड का कम प्राइस भी इस सब्सटेंस का यूज यंगस्टर और खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच बढ़ा रहा है, जहां ऑन एन एवरेज एक अच्छी अल्कोहल की बोतल करीब 700 से 1000 रुपए के बीच बिकती है। वहीं छोटे शहरों में 10 ग्राम वीड 500 रुपए और बड़े शहरों में 1000 रुपए तक अवेलेबल हो जाता है। एक सोलो स्मोकर के लिए 10 ग्राम वीड 3 से 4 हफ्ते तक चल जाता है, जो अल्कोहल के मुकाबले यूथ के लिए मच चीपर सब्सटेंस बना रहा है। साथ ही अल्कोहल के मुकाबले वीड या चरस को कंज्यूम करना बेहद आसान है। आज लगभग हर पान की दुकान पर प्री रोल्ड पेपर्स अवेलेबल हैं, जो 10 से 20 रुपए में बिक रहे हैं, जिसकी मदद से एक स्मोकर महज 2 मिनट में अपने लिए वीड या चरस का जॉइंट तैयार कर लेता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यंगस्टर्स की डिमांड्स को देखते हुए अब खुद लोकल पेडलर्स इन्हें बना बनाया रोल्ड जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां एक कंज्यूमर अपने हिसाब से एक या उससे ज्यादा जॉइंट परचेज कर सकता है। इसके चलते फैमिली के साथ रह रहे यंगस्टर्स को वीड अपने पास नहीं रखना पड़ता, जो उनके घर पर पेरेंट्स द्वारा पकड़े जाने के चांसेस को भी खत्म कर देता है। इसके अलावा जहां अल्कोहल परचेज करने का मिनिमम एज इंडिया में 21 है, वहीं वीड की अनऑर्गेनाइज सप्लाई चेन के चलते इससे रिलेटेड ऐसा कोई लॉ नहीं है,
जिस वजह से आज हर एज के यंग किड्स इसे कंज्यूम कर रहे हैं। आलम यह है कि आज हमारी यंगर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा कैनबिस को हार्मलेस कंसीडर करता है। इनफैक्ट कुछ लोग जो कैनबिस कंज्यूम करते हैं वो इसे सिगरेट की तरह कंसीडर करते हैं, जहां उनका मानना है कि टोबैको की ही तरह वीड भी एक प्लांट से निकला हुआ नेचुरल प्रोडक्ट है। इन्हीं सारे कारणों के चलते आज इंडिया में कैनबिस की मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है। उदाहरण के तौर पर यदि आप दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में जाते हैं, वहां आपको कैनबिस की अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलेंगी। यही नहीं, कैनबिस की एक अलग रेसिपी बुक भी उपलब्ध है, जिसमें वीट पिज्जा सॉस, वीट वाइन और वीट कॉफी जैसे आइटम शामिल हैं। डॉक्टर राहुल लूथर, जो कि एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट और होप ट्रस्ट के फाउंडर हैं, वो बताते हैं कि इन दिनों यंग कंज्यूमर्स के बीच कैनबिस बाथ प्रोडक्ट्स, लिप बाम, चीज और ड्राइड नूडल्स की डिमांड इमर्ज हो रही है, और ये पूरा मार्केट अनरेगुलेटेड है, जिसके कारण ना गवर्नमेंट इसे चेक और बैलेंस कर पा रही है और ना ही इसकी बिक्री से सरकार को शराब की तरह कोई रेवेन्यू मिल पा रहा है। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया में कैनबिस के लीगलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्णा और कांग्रेस MP शशि थरूर जैसे कई लीडर्स ने कैनबिस को लीगलाइज करने की बात की है। तो साल 2015 के ग्रेट लेजिस्लेशन मूवमेंट इंडिया में कैनबिस को फिर से लीगलाइज करने का प्रयास कर रहा है। इस मूवमेंट के अंडर बैंगलोर, पुणे, मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में कैनबिस के मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए गए थे। कैनबिस लीगलाइजेशन के प्रोपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कैनबिस को लीगलाइज करने के कई सारे एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि रिडक्शन इन इलिसिट ट्रेड एंड एसोसिएटेड क्राइम्स। दोस्तों, भारत ट्रेड रिलेटेड क्राइम का हब है। डिस्पाइट बैन, इंडिया में लोगों ने वीट को कंज्यूम करना बंद नहीं किया है, और यंगस्टर्स के बीच इसके करंट ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत के अंदर वीट कंजम्पशन और बढ़ने वाला है। करंटली इंडियन कंज्यूमर वीट के लिए ब्लैक मार्केट पर रिलाई करते हैं। ये मार्केट मेनली हिडन गांजा माफिया नेटवर्क द्वारा रन की जाती है। इसमें पेडलर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। ये माफिया नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है कि यदि कभी NDPS एक्ट के तहत इन गांजा स्मगलर्स और लोडर्स पर केस भी फाइल होता है तो ये आसानी से बच निकलते हैं। और यही नहीं, यदि कोई पर्सन या ऑफिशियल इनके धंधे को रोकने का प्रयास करता है तो ये वायलेंस यूज करने में भी जरा भी संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन के नजदीक गांजा माफियाज ने 2 एक्साइज स्टाफ पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। कैनबिस को लीगलाइज करने का पक्ष रखने वाले लोगों का कहना है कि कैनबिस प्लांट की लीव की ही तरह इसके फ्लावर और फ्रूट को भी लीगलाइज करने से इसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। कैनबिस की कल्टीवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होंगे और इसकी ट्रेड ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स के बजाय गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जिससे कि ड्रग रिलेटेड क्राइम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पोर्टुगल ने ईयर 2001 में ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया था, जिसके बाद वहां ड्रग रिलेटेड क्राइम कमिट करने वाले प्रिजनर्स की संख्या 40% से 15% रिड्यूस हो गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह बिहार जैसे राज्यों में शराब बैन कर देने से वहां शराब का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत वहां जहरीली शराब और ऑर्गेनाइज क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह वीट को लीगल बनाने की वजह से इसका कंजम्पशन बंद नहीं हुआ है, बल्कि अब इसने एक ऑर्गेनाइज क्राइम का रूप ले लिया है। ऐसे में जिस तरह सरकार आज शराब को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिस्पॉन्सिबली सेल कर रही है, वैसा ही कुछ कैनबिस के बाकी बाई प्रोडक्ट के साथ भी किया जा सकता है। इसका एक और फायदा यह होगा कि ऐसा करने से गवर्नमेंट कैनबिस की क्वालिटी को इंश्योर कर पाएगी। दरअसल इलीगल होने की वजह से आज वीट दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है। एक अपने नेचुरल फॉर्म में, जो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है और जिसकी बड्स काफी ड्राई और सॉफ्ट होती हैं। वहीं मार्केट में अवेलेबल इसका दूसरा फॉर्म डार्कर कलर का होता है, जो काफी मॉइस्ट और हार्ड होता है। मार्केट में बिक रहा डार्कर वीट असल में कैनबिस का नेचुरल बाई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि पेडलर्स नेचुरल वीट की क्वांटिटी बढ़ाने और उसके नशे को बढ़ाने के लिए उस पर कुछ मेडिसिन के वाटर का स्प्रे कर देते हैं। साथ ही डीलर्स चरस में दूसरे केमिकल्स या ड्रग्स जैसे कि अफीम मिक्स करके बेचते हैं, जिससे कि कई बार लोगों की हेल्थ पर बुरा असर होता है और हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन इलीगल होने की वजह से मेजोरिटी ऑफ स्मोकर्स इस बात से अनजान है और हर टाइप की अवेलेबल वीट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीट कंजम्पशन को रेगुलाइज करने से इस तरह की प्रैक्टिसेस को भी खत्म करने में मदद मिलेगी और सरकार लोगों को रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की ओर लेकर जा सकती है, जहां अंडर एज स्मोकर्स को इजीली मॉनिटर किया जा सकेगा। तो सर, मैरिजुआना को लीगलाइज करके गवर्नमेंट करोड़ों रुपए रेवेन्यू अर्न कर सकती है। इजराइल और जर्मनी जैसे देश हर साल इंडिया से मिलियंस डॉलर वर्थ के
इलीगल मैरिजुआना फ्लावर प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं। भविष्य में इंडिया पूरे दुनिया के लिए कैनबिस हब बन सकता है। फॉर्मर नारोटेक्स कमिश्नर रमेश भट्टाचार्य बताते हैं, करेंटली इंडिया के 60% डिस्ट्रिक्ट्स में कैनबिस ग्रो किया जाता है, लेकिन इलीगल होने की वजह से फिलहाल ये कल्टीवेशन अंडरग्राउंड मेथड से किया जा रहा है। इंडिया टाइम्स द्वारा कंडक्ट किया गया एक रिसर्च ये क्लेम करता है कि हर साल एटलीस्ट 60,000 किलोग्राम हैश सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज केवल 500 किलोग्राम हैश ही सीज कर पाती है। आज मार्केट में 10 ग्राम हैश 3500 से 10,000 रुपीज के बीच बिक रहा है। वहीं यदि हम एग्जाम्पल लें आंध्र प्रदेश में लोकेटेड पडेरू टाउन का, तो यहाँ हर साल लगभग 10,000 एकड़ लैंड में गांजा की खेती की जाती है। गवर्नमेंट ने वहां एक साल 1.17 करोड़ प्लांट्स डिस्ट्रॉय किए थे और अराउंड 249 विलेजेस को रेट किया था, लेकिन तब भी गांजा का प्रोडक्शन नहीं रुका। वीट को लीगलाइज करने की मांग करने वालों का कहना है कि सरकार इसके कंजम्पशन पैटर्न को कंट्रोल करने के साथ साथ एल्कोहल की ही तरह यहां से सस्टेनेबल रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है, जो फिलहाल वीड माफियाज की पॉकेट में अननोटिस होकर जा रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक यदि वीड लीगलाइज हो जाता है तो गवर्नमेंट दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से अकेले 725 करोड़ और 641 करोड़ रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली अर्न कर सकती है। इसके अलावा इंडिया कैनबिस के इंडस्ट्रियल यूज को भी एक्सप्लोर कर अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हेम्प कल्टीवेशन को आज अमेरिका जैसे देश में बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स और बायोप्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जा रहा है। जिस अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर कभी हमने कैनबिस फ्लावर और फ्रूट को इलीगल बनाया था, आज उसी अमेरिका के कई स्टेट्स में कैनबिस पूरी तरह से लीगल हो गया है। करेंटली अमेरिका में 31 स्टेट्स में मैरिजुआना को मेडिकल पर्पसेस के लिए लीगलाइज किया हुआ है, जबकि 23 स्टेट्स में मैरिजुआना का रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी यूज अलाउड है। पोस्ट एकेडमिक यूएस में लीगल कैनबिस इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ वहां मैरिजुआना रिलेटेड बिजनेसेस का मार्केट साइज अराउंड $15 बिलियन वैल्यू किया गया था, जो कि 2023 तक $51 बिलियन से भी ज्यादा रीच करने का एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों, हेम्प इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकता है। एक कॉटन टी शर्ट को प्रोड्यूस करने में लगभग 2700 लीटर वाटर यूज होता है। वहीं कॉटन वर्ल्ड के टोटल 2.5% लैंड में ग्रो किया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड टोटल इंसेक्टिसाइड का 16% और हर्बिसाइड का 6.8% कंज्यूम करता है। डेटा के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड रिलेटेड डेथ्स के ज्यादातर केसेस कॉटन फार्म से जुड़े होते हैं। हेम्प इस सिनेरियो को पूरी तरह से चेंज कर सकता है और ये सेम अमाउंट ऑफ लैंड में 200% से 250% ज़्यादा फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं हेम्प अपने आप बहुत फास्ट ग्रो करता है और इसे ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट नो पेस्टिसाइड और बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हेम्प इंडिया में हर जगह ग्रो किया जा सकता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। इस तरह से हेम्प इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा और इंडिया का ऑलमोस्ट हर फार्मर इसे सस्टेनेबली ग्रो कर सकेगा। इससे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। दोस्तों, कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस कैनबिस प्लांट के कई मेडिकल बेनिफिट्स होने का दावा करती हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड वाइड स्टडीज से ये सामने आया है कि मैरिजुआना को लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे फेटल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कई लोग ऐसी गंभीर बीमारियों से सफर कर रहे हैं, वो ठीक हो सकते हैं यदि मैरिजुआना लीगलाइज कर दिया गया और इस फील्ड में रिसर्च प्रमोट किया जाए। यही नहीं, वर्ल्ड वाइड कई डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मैरिजुआना से एपिलेप्सी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी ट्रीट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कैनबिस क्रोनिक पेन से रिलीफ और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के केस में भी हेल्पफुल हो सकता है। पहले के समय में इंडिया में मैरिजुआना को लोग गैस्ट्रिक, एपेटाइजर, डायबिटीज, डायरिया और जॉन्डिस जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते थे। हमारे आयुर्वेदा में कैनबिस को विजया कहकर रेफर किया जाता है, यानी कि विक्टोरियस। एक्सपर्ट्स की राय में इंडिया उसकी आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेते हुए मैरिजुआना को लीगलाइज करके एक स्ट्रॉन्ग कैनबिस फार्मा इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आज देश के कुछ राज्यों में सरकारें मेडिकल पर्पसेस के लिए कैनबिस कल्टीवेशन को लीगल कर चुकी हैं। जहां आज उत्तराखंड, गुजरात, MP और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कैनबिस कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो कई स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि मैरिजुआना अल्कोहल और दूसरे इंटॉक्सिकेंट्स के मुकाबले कम हार्मफुल होता है। कैनबिस कंजम्पशन से आज तक एक भी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। वहीं मैरिजुआना के विड्रॉल सिम्टम्स भी कोकेन और हेरोइन जैसे हार्ड ड्रग्स के कंपैरिजन में काफी लेस इंटेंस होते हैं और ये अल्कोहल और टोबैको से कम एडिक्टिव होता है।
इंडिया टाइम्स के अकॉर्डिंग, जहां एक तरफ 32% अल्कोहल कंज्यूमर्स और 15% टोबैको कंज्यूमर्स सीवियरली एडिक्टेड होते हैं, वहीं मैरिजुआना स्मोकर्स के केस में ये संख्या केवल 9% है। इसलिए आज यूएस और कनाडा जैसी कई वेस्टर्न कंट्रीज इन्हीं रिसर्चर्स के चलते कैनबिस के हर फॉर्म को पूरी तरह लीगलाइज बना रही हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां वीड लीगलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले वीड लीगलाइजेशन के अगेंस्ट एक्सपर्ट्स की राय में लीगलाइजेशन के बाद सर्टेनली कंट्री में इसका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में जिन स्टेट्स में वीड लीगलाइज्ड है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा वीड कंज्यूम करते हैं। दूसरा, लीगलाइजेशन के बाद एडोलेसेंट्स के बीच वीड का यूज एक्चुअली में डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका कारण होगा इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, ग्रेटर सोशल एक्सेप्टेंस और पॉसिबली लोअर प्राइसेस, जैसा हम अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ देख सकते हैं। तीसरा, क्योंकि मैरिजुआना एक गैस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, ये हमारे लंग्स के लिए टोबैको की ही तरह हार्मफुल होता है और इससे लंग कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में मैरिजुआना कंजम्पशन से ब्रेन की वर्किंग स्लो होने की भी बात कही गई है। मैरिजुआना का रेगुलर कंजम्पशन मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। जिन पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनका कॉम्प्लिकेशन वीड स्मोक करने से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि मैरिजुआना ब्रेन की क्रिएटिविटी इंक्रीज कर देता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक मिथ है और असल में मैरिजुआना कंजम्पशन ब्रेन लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी पावर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। मैरिजुआना टोबैको जैसे कुछ कैरकिनोजेंस जैसे कि फिनॉल्स और बेंजोपायरवीन जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन्स कंटेन करता है और डिफरेंट टेक्निक से वीड स्मोक करने के कारण ये टोबैको के कंपैरिजन में 3 times ज्यादा टार रिटेंशन और 5 times ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिटेंशन कॉज करता है, जिससे कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स मैरिजुआना का रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए लीगलाइजेशन सजेस्ट नहीं करते। तो लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया में कैनबिस कंजम्पशन रैपिडली इंक्रीज हुआ है और दिन ब दिन लोगों के बीच ये प्रैक्टिस काफी कॉमन भी होती जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार इसे लीगल बनाकर रेगुलराइज करने की कोशिश करेगी या इसे इलीगल ही रहने देते हुए कंट्रोल करेगी। बहरहाल, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या हमें वीट को लीगलाइज कर देना चाहिए या फिर नहीं, और अपने रीजंस भी दीजिएगा अपने आंसर्स के साथ। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।